नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिदनू कोतवाली लोहा मंडी कस्बे के हार्डवेयर व्यापारी धर्मेंद्र के पुत्र ऋषभ गुप्ता के अनुसार शनिवार रात आगरा से दुकान का सामान लेकर लौटा था। ड्राइवर घर के बाहर उतारने के बाद चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से घर में घुसने लगा, इसी बीच चार पांच बदमाश ने उसे रिवॉल्वर लगा दी और सीधे घर के अंदर ले गए। एक बदमाश ऋषभ को रिवॉल्वर ताने रहा, जबकि अन्य बदमाशों ने उसके पिता धर्मेंद्र, माँ, दादी, बहन को मारपीट कर एक कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया। घर में रखे व्यापार के 25 लाख रुपए, नगद लाखों का जेवर निकाल लिए। इसी बीच एक बदमाश ने फोन कर गाड़ी मंगवाई। सभी बदमाश अचलता की ओर भाग गए। बदमाश के जाने के बाद ऋषभ ने अपने हाथ पैर खोले, कोतवाली में डकैती की सूचना दी। व्यापारी के घर लाखों की डकैती की सूचना पर कोतवाली बिदनू शशांक राजपूत क्षेत्र अधिकारी बिदनू मुकेश प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जांच में जुट गए। डकैती के बाद व्यापारी का परिवार दहशत में, व्यापारी भी भारी आक्रोश में है। अध्यक्ष जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ये क्या मामला है बिदुना लोहा मंडी में? मुझे सुबह 5 बजे जानकारी दी गई कि हमारे मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यापारी जो कि तो का काम करते हैं मशीनरी का, उनके लड़के के साथ ये घटना हुई है। और घटना क्या, ये तो डकैती हुई है। वो तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना हुई, पुलिस उस घटना को भी मानने से मना कर रही है कि ये घटना ही प्रायोजित है। लेकिन जबकि हमारे जो ये व्यापारी हैं धर्मेंद्र गुप्ता, इनको आपका ऑपरेशन हुआ, इनकी इतनी पिटाई की, इनकी आंख से खून निकलने लगा, उसके बाद भी पुलिस घटना को नकार रही है और भांत भांत से गुमराह कर रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता। आज तक जितने भी घटनाएं हुई हैं मार्केट के अंदर, एक भी घटना का वर्कआउट आज तक पुलिस ने नहीं किया। सराफा बाजार की भी घटनाएं हुई, एक भी घटना का वर्क, और जहां पर टिकट की बात है, दुर्गा मंदिर से लेकर दिव्यापुत्र राय तक, ये बिदुना का मुख्य बाजार है, यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं रहती। ये केवल हाथ में डंडे लेकर होमगार्ड ड्यूटी करते हैं और वो भी 10-11 बजे के बाद, उनका भी पता नहीं पड़ता, वो कहाँ जाके सो जाते हैं। रात में गश्त होता है या नहीं होता? नहीं, रात को वैसा गश्त नहीं होता, कभी कभार पुलिस की गाड़ी सारे बजाते हुए निकल जाते हैं, कोई घटना नहीं होती। मैं अधिकारियों से ये चाहूंगा कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर ध्यान दें, और नहीं तो हम व्यापारी लोग अपनी अपनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि इस घटना को वर्कआउट किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। यदि पुलिस प्रशासन इस घटना को 24 घंटे के अंदर वर्कआउट नहीं करती है, तो हम व्यापारी आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए और मार्केट बंद करने के लिए बाध्य होंगे। तो सब क्या घटना होगी? मैं 11:30 बजे अपना आगरा से मार्केट करके वापस घर आया था। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, ड्राइवर गाड़ी अपने गांव लेते जाता है। मैंने जैसे ही अपने शटर को खोलने के लिए कहा, पीछे से मेरे पे रिवॉल्वर लगा दी। मैंने पीछे नहीं देख पाया क्या लोग थे। मैं ऊपर जब जीने से गया, मेरा मेन गेट बंद रहता है, जब मैंने कुंडी खड़काई मम्मी से खोला, तो पीछे दूसरे आदमी ने मम्मी पे तुरंत रिवॉल्वर लगा दी। और जब ऊपर पहुंचे तब हमने देखा कि 4 लोग हैं। कमरे में मेरे पापा डायबिटीज के मरीज है और उनका चेन्नई से हैदराबाद से 4 बार अभी ऑपरेशन हो चुका है। वो उनकी स्वस्थ नहीं रहते, इंजेक्शन लगा के शाम को सोते हैं। दादी हमारी बहुत एजी तक वो भी सो रही थी। जैसे ही पापा अंदर दरवाजा खोला तो मेरी बहन जागी, और जब इन लोगों ने देखा तो सबसे पहले उन्होंने पापा के किसान ऑपरेशन हुआ वहाँ पे जापर मारी। और पापा जब बोले कौन हो, तो दादी को उन्होंने ऐसी बगल में देखा तो कह रहे थे कि आप माल निकालो, बगल में हमारा स्टोर है, उसमें गए कपड़े वगैरह बिखोरे, वहीं पर एक फ्लावर का पॉट रखा था। तो जो मेरे बगल में आदमी था, मैंने अपने बचाव में उसको पकड़ना चाहा, तो दूसरे आदमी ने वो पॉट उठा के मेरे को मारा। फिर उन्होंने, जब मैंने देखा मेरी दादी और पापा को ये लोग मार रहे हैं, तो मैं बहुत घबरा गया, तो मैंने ताले को खोल दिया। जब मैं ताला खोला तो मेरी दादी का जो भी पुश्तैनी जेवरात थे, मेरे मम्मी के, बहन के, पापा के, मेरी चैन वगैरह ये ले, और मेरा कम से कम 24 से 25 लाख के लमसम का कैश लिया। उसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों को एक कमरे में बंद किया और मेरे हाथ बांध के बांधे और फोन मिलाया किसी को। 5 मिनट के अंतराल में वो हमको अपने रिवॉल्वर से नीचे तक लाए
और बहुत स्पीड में आने की सफारी आई, उस पर तीन लोग बैठे, एक लोगों ने मुझे धक्का मारा तो मैंने गली में बुलट गली में उस पर गिरा और वो तुरंत बैठ के सीधे छल्ला रोड के लिए निकल गया। उसके बाद मैंने पुलिस बोल के फिर मैंने पुलिस को 100 नंबर भी मिलाया, 112 नंबर भी मिलाया, फिर मेरे कोई फोन नहीं लगा वहाँ पे। फिर मैं बड़वाड़ा के मैं थाने गया, वहाँ पर मैंने अपनी बात कही तो वहाँ से साहब SI साहब आए, फिर इंस्पेक्टर साहब आए, CO साहब आए, उन्होंने छानबीन की और एरिया से भी पोस्टिंग की, जांच आई थी उन्होंने करके ले गए। लगभग अंजाद में कितने का जेवर होगा? जेवर तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी या पापा ही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका कोई वजन था और उसका कोई रुपए का कोई आइडिया नहीं। मेरा तो कैश केवल मालूम है कि 14 से 25 के बीच में है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। निवास? लोहाबंदी आर नगर। सर, बिदुना कोतवाली के लोहा मंडी में एक व्यापारी के यहाँ लूट की सूचना पुलिस को मिली थी, सर क्या है पूरी घटना, किस तरीके से? ये आज रात्रि को थाना बिदुना के लोहा मंडी क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ ये सूचना मिली कि कुछ बदमाशों ने उसको गन पॉइंट पर जो है वो लेकर के और उसके घर में प्रवेश मान लिया, वहाँ मारपीट करके और उनको जहाँ पाते उनसे 20 रुपये और जेवर जो है वो छीने और इसके बाद बदमाश जो है वो उनसे वारदात करके निकल गए। जैसे ही पुलिस को थाना कोतवाली बिना पुलिस सूचना मिली, तुरंत पुलिस के सभी अधिकारी SHO SCO मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पूरी जांच पड़ताल की और जो आसपास लगे हुए CCTV कैमरे थे उस CCTV कैमरे से घटना के समय और जो भी आने जाने वाले लोग थे उसको देखा गया, तो उससे ये बात प्रकाश में आई कि ये ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है वो उस व्यापारी के साथ उसके घर में नहीं हो सके और निकलते वक्त भी वो व्यापारी और उसके अधिकारी जो है जो मोटरसाइकिल से सूचना देने के लिए थाने पर आए उनके साथ न तो बदमाशों का प्रवेश हुआ है घर में और न ही बदमाशों की निकासी हुई है। तो उस इन सब तथ्यों से ये चीज प्रमाणित हुई कि ये घटना जो है वो अभी सत्यापित नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है और पुलिस इस बात पर भी विचार कर रही है, इस बात पर भी इसका जो है वो जांच हो रही है कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं पौधे के पीछे जो जो है वो इस तरीके की घटना जो है वो उन्हें बताया गया और जैसे भी जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उस पर पुलिस जो है वो संबंध में करके दिल्ली कर रही होगी।